हाय रोहित। हेलो सर। हमने ये डिसाइड किया था कि टाटा ग्रुप में बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, तो हम उसके बारे में हर सप्ताह में एक दो सेक्टर्स के बारे में बात करने वाले थे, और उन सेक्टर्स में जो अच्छे कंपनीज हैं और अलग अलग कंपनीज किस तरीके से काम कर रही, क्या उसके ग्रोथ की संभावनाएं हैं, क्या उसके फंडामेंटल्स हैं, क्या उसके टेक्निकल्स हैं। तो आज आपने कौन सा सेक्टर चुना है? मैंने आज एक होटल इंडस्ट्री चुनी है। अच्छा, और मतलब टाटा के ग्रुप में ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट था कि कंपनी जो भी हम चुने वो ओवर वैल्यूड ना हो, अंडर वैल्यूड रहे, क्योंकि अभी मार्केट ऑलरेडी बहुत ऑल टाइम हाई है और इस समय ओवर वैल्यू कंपनी को हाथ लगाना थोड़ा सा रिस्की है। रिस्की है। तो कौन सी होटल्स के बारे में आप बता रहे हैं टाटा की? मैं ये इंडियन होटल की सब्सिडरी है, बनारस अच्छा, होटल्स लिमिटेड। बनारस होटल्स लिमिटेड। जी हाँ जी हाँ, ओके जो इंडियन होटल्स है वो कंपनी इज प्रमोटेड बाय टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा, जिसमें उनकी 38% की भागीदारी है और FII 27% होल्ड करता है और DII लगभग 18% होल्ड करता है इंडियन होटल्स में। इंडियन होटल्स में। इंडियन होटल्स तो में इंडियन होटल्स में केवल 38% जो है वो टाटा का है, राइट, और FII लगातार मतलब इसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। बस मैंने इंडियन होटल्स इसलिए नहीं चुना क्योंकि इंडियन होटल का जो PE है वो 72 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, जो कि बनारस होटल का अगर मैं PE देखता हूँ मुझे तो यहाँ मैं एक आपको रोकूंगा। जैसे इंडियन होटल्स है, लोगों को पता है कि ये ताज ग्रुप, ये इसी ताज का ग्रुप, ताज राइट। ग्रुप की ये कंपनी है, तो क्या जैसे जो ग्रुप फेमस ग्रुप है जैसे, तो क्या उसकी कंपनी के पी रेशो सामान्यतः हाई रहता है? एक्चुअली ताज होटल बहुत फेमस हो चुके हैं और इंडियन होटल्स लास्ट 1 ईयर में लगभग 2x हो चुकी है कंपनी, और अच्छा इसीलिए उसका PE थोड़ा हाई ट्रेड कर रहा है। और बनारस होटल का PE वो बढ़ने के बावजूद वो 32 पे ट्रेड कर रहा है, इसका क्या मतलब तो है? मुझे लगता है ये अंडर वैल्यूड है नहीं, कंपनी। जैसे अगर शेयर के प्राइस बढ़ भी रहे हैं उसके बाद भी पी रेशो कम है, राइट और स्टॉक के प्राइस बढ़ रहे हैं और पी रेशो बढ़ा है, इन राइट दोनों में मतलब समझाओ। स्टॉक के प्राइस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली अर्निंग्स ज्यादा लगती है PE रेशो को कम करने के लिए, और बनारस होटल में अर्निंग बहुत अच्छी आई है पिछले 2 साल में और उसी वजह से उसका जो PE रेशो है वो कम है। अब आप देखेंगे कि स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे अगर तो डेफिनेटली PE रेशो भी बढ़ेगा धीरे धीरे, और लेकिन इसकी अर्निंग्स अभी 18 अक्टूबर को आने वाली है, मुझे लगता है कि अर्निंग्स अच्छी अर्निंग्स है से आपका मतलब है नेट प्रॉफिट, Q2 की अर्निंग्स। मतलब आपका मेन एनालिसिस का जो पार्ट रहता है पीई रेशो का, वो शुरू होता है कि उसकी रेवेन्यू कितनी बढ़ी है पिछले साल से, पिछले क्वार्टर से, और उसकी नेट प्रॉफिट कितनी बढ़ी है क्वार्टर में या पिछले कंपेरेटिव क्वार्टर में या पिछले साल से। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट ये चीज तय करती है, अगर प्रॉफिट अच्छा बढ़ा है, जी नेट प्रॉफिट अच्छा बढ़ा है और रेवेन्यू अच्छी बढ़ी है और उसके बाद भी उसका पी रेशो कम है, तो उसको आप बेहतर मानेंगे, बजाय उसके कि प्रॉफिट बढ़े हैं, रेवेन्यू बढ़ी है, लेकिन पी रेशो भी बढ़ा है। तो इंडियन होटल्स में आपके हिसाब से 2x होने के कारण पिछले जी 1 साल में उसके स्टॉक के प्राइस दुगने हो गए दुगने हो गए, और उसकी वजह से उसका पी रेशो भी बढ़ गया। राइट। मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो अगर देखेंगे तो न्यूमरेटर में प्राइस आता है और अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इसका PE रेशियो भी बढ़ा हुआ है अभी, लेकिन बनारस होटल भी 1 साल में लगभग 6,000 से 9,000 पे आ चुकी है, अच्छा 9,100 लगभग इसका रेट चल रहा है, लेकिन इसका PE रेशियो 32 पे ट्रेड कर रहा है एज कम्पेयर टू द PE रेशियो ऑफ इंडियन होटल्स जो जो अभी ट्रेड कर रहा है 73 पर। तो इसमें बनारस होटल्स जो है उसमें इंडियन होटल्स ने पैसा लगाया, जी हाँ, तो उसमें कितनी परसेंट इंडियन होटल, ये इंडियन होटल्स की सब्सिडियरी है। सब्सिडरी है लगभग ओके, 62% इंडियन होटल और का, बाकी पैसा किसी और ग्रुप का लगा है? नहीं, बाकी पब्लिक का पैसा लगा हुआ है पूरा। पूरा। तो इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जी नहीं, क्यों नहीं आया, उसका कोई कारण हो सकता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल का एक स्मॉल स्टेक है 0.01% का। अच्छा, नहीं ये कंपनी कंपनी छोटी है इस वजह से उन्होंने नहीं लिया। छोटी है इस वजह से भी, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी वो लोग सेक्टर वाइज अपना पैसा एलोकेट करते हैं और इंडियन होटल्स में 27% का स्टेक लगा चुके हैं और अच्छा, वो इसीलिए होल्डिंग कंपनी में उन्होंने 27% पैसा लगाया है, तो वो
इनडायरेक्टली जो 60% 62% पैसा सब्सिडियरी का लगा है। अब इंडियन होटल्स में तो टाटा का पैसा 38% ही लगा है, बाकी पैसा FII और DII का ही है जी। तो इनडायरेक्टली जो 62% लगा है उसमें इनकी जो 27% और 18% की स्टैक है वो इसमें है ही। 27% ऑफ 62%, 18% ऑफ 62%। That's why इन्होंने FII और DII ने डायरेक्ट इसमें नहीं लगाया, इनडायरेक्टली फ्रॉम होल्डिंग कंपनी के माध्यम से पैसा लगाया। अब आप मुझे ये बताइए कि बनारस होटल्स के बारे में आप ऑप्टिमिस्टिक क्यों हैं और इसको आप अच्छा अच्छा स्टॉक क्यों मानते हैं? पहली बात तो एक्सपांशन का बहुत रूम है बनारस होटल्स में। अभी सिर्फ वाराणसी और गोंदिया में होटल है और एक्सपांशन कंटिन्यू करते जा रहे हैं। रेवेन्यू अगर हम चेक करेंगे, अगर फंडामेंटल्स देखेंगे तो पी रेशो मैंने आपको बता दिया कि बहुत अच्छा है, और अगर रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू 39 करोड़ था मार्च 2013 में, जो कि अब पहुंच गया है 121 CR, मतलब लगभग तीन साल में राइट। और नेट प्रॉफिट भी 4 गुना हो गया, 9 करोड़ से 36 करोड़ पहुंच गया। तो एक स्टेबल ग्रोथ है विद इन 10 ईयर्स, 4x 10 ईयर में बहुत अच्छा ग्रोथ है मेरे हिसाब से। बोरोइंग 10 साल में इसके स्टॉक्स 4 गुना आ गए हैं जी जी जी, और बोरोइंग्स बिल्कुल नहीं है। क्या बात है, बोरिंग्स कुछ भी नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट मार्जिन जो इसका था वो 39% से मार्च 24 नहीं तो पूरा का पूरा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है वो इंडियन होटल्स के पैसे से हुआ है जी जी जी। ओके, तो अब इसमें फ्यूचर में आपकी क्या संभावना है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें? इसमें ऑल टाइम हाई कंपनी ने 10,000 रुपए का लगाया हुआ है। अच्छा, और अभी चल रहा है 9,100। मुझे लगता है अर्निंग रिलीज अगर अच्छे आते हैं तो ये अपने ऑल टाइम हाई को तोड़कर मुझे लगता है 13,000-14,000 के प्राइस पर हमको अगले 6 महीने में ये दिखा सकता है। मतलब मार्च 2025 के पहले राइट ये 12,000 क्रॉस कर सकता है, 12,000-13,000 के। लेकिन उसके लिए सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स मायने रखेंगे क्या? मायने रखेंगे, एक बार सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आप देखेंगे। मैं अभी तक के ये डिस्कस नहीं कर रहा था बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर द सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट, बट क्योंकि हमने लाइव में सबको ये मतलब वादा किया था कि हम टाटा ग्रुप की कंपनीज के बारे में रिसर्च करके कुछ कुछ कंपनीज ऐसी लाएंगे जो अंडर वैल्यूड है आपके सामने, तो इसलिए 18 तारीख को आज 14 तारीख है जी, आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब 14 अक्टूबर है और 18 तारीख को इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं बनारस होटल्स के। और हमारा जो लाइव वीडियो आएगा वो उसके 1-2 दिन बाद आएगा, तो आप मैं चाहूँगा कि इसको नोट कर लीजिए कि बनारस होटल्स को इसका रिव्यू आफ्टर द क्वार्टर टू रिजल्ट्स हम नेक्स्ट लाइव शो में इसको बताएंगे। तो विद दिस हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर है टाटा ग्रुप का, वहाँ से हमने आज टाटा कंपनीज के स्टॉक्स की बात करना शुरू किया है, जिसमें एक ये अच्छी कंपनी है बनारस होटल्स।